कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर ललिमा और भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। पल्लव की भूमिका सुमित्रानंदन पंत, जो एक बहुत महान व्यक्तित्व हैं हिंदी साहित्य के, और उन्हीं के द्वारा लिखी हुई जो एक कविता है वे आँखें, उसे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 11वीं कक्षा आरोह भाग एक के काव्य खंड से लिया गया ये कवितांश है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के विषय में सबसे पहले जान लेते हैं और फिर उसके बाद वे आँखें कविता को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूल नाम गोसाई दत्त है सुमित्रानंदन पंत का, ये आप याद रखिएगा। जन्म हुआ है इनका सन 1900 में, और कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ। और प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी हैं वो वीणा, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन इत्यादि, है ना। तो सम्मान जो इन्हें मिला है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण, बहुत सारे पुरस्कार मिले। और मृत्यु इनकी सन 1977 में हुई है, 77 में। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई, और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएँ लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें यादों की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएँ भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूभाव नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी, जो प्रकृति है उसकी जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास के विरोधावासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्कर्म में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो चलिए बढ़ते हैं कविता को और पढ़ते हैं वे आँखें। अंधकार की गुहा सरी थी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें धारुण, दैन्य दुख का निर्वरोधन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश भाग इसका। लहराते वह खेत दृगु में हुआ बेदखल, अब वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरणी स्वर्ग चली आंखें अति भार, देख 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 रेख के बिना दूध मुही बिटिया दो दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहु लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन।
खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं और उसके साथ कुछ मुश्किल शब्द। सरीखी जिसका अर्थ होता है समान, दारुण जिसका अर्थ होता है गौर, निर्दय और कठोर। चितवन दृष्टि को कहते हैं, बेदखल होता है हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन होता है जमींदारों के करिंदे और कुर्क होती है नीलामी। वर्धन हो गया बैलू और घरनी हो गया घरवाली पत्नी। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की बाकी सब कविताओं को भी आप एक बार इस तरह से पढ़ें, उसके बाद डिटेल में पढ़ें। ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले पता तो चले कि कविता में है क्या, तो ये ज़रूरी है। चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके बाद का पार्ट अभी हम दूसरी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, उसे भी ज़रूर देखें।